नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज़ को। और इस वक्त हम जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में मौजूद है, जहां पर सदस्यता अभियान को लेकर के समीक्षा बैठक की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तमाम कार्यकर्ता जो हैं जनता दल यूनाइटेड के, वो यहाँ पर मौजूद है और समीक्षा जो है वो बैठक चल रही है। आप मंच की तरफ नज़र डालें तो मंच पर राजीव रंजन प्रसाद, राहुल खंडेलवाल और जो तमाम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर जो है अलग अलग व्यवसायिक प्रकोष्ठ के और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और उनको जो है युवाओं के बीच अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं किस तरीके से संगठन को जो है वो मजबूत किया जाए। तो ये जिस तरीके से जो ये बैठक लगातार चलाई जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, तो ये साफ दर्शा रहा है कि 2020 की जो चुनाव है उसके लेकर के ये तैयारी तमाम की जा रही है। युवा के जो राहुल खंडेलवाल हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज जो समीक्षा बैठक की है राहुल खंडेलवाल ने, तो क्या मुद्दा, क्या सोच करके ये समीक्षा बैठक की शुरुआत? आज ये समीक्षा बैठक जो हमें लक्ष्य मिला था, हम युवाओं ने पटना महानगर में 12,500 प्रारंभिक सदस्य बनाने का लक्ष्य हम लोग को मिला था पार्टी से, जिसके हम लोग करीब पहुंच चुके हैं और 2-4 दिनों में आप लोग के सामने आंकड़ा आ जाएगा कि पटना महानगर से कितने सक्रिय सदस्य पार्टी के बने और कितने प्रारंभिक सदस्य, जिससे कि अधिक से अधिक, ऐसा कहा जाता है देश की राजनीति में कि जिस तरफ युवाओं का रुझान होता है सत्ता उसी की बनती है। और बिहार के लगभग 90% युवा नीतीश कुमार के साथ हैं, जो कि भटकने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने, आप लगातार युवाओं को जोड़ रहे थे, तो क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं नीतीश कुमार के प्रति? नीतीश कुमार के प्रति युवाओं का यही रुझान देखने को मिल रहा है कि एजुकेशन का हो, सड़क हो, युवाओं के लिए एजुकेशन और जॉब बहुत बड़ा मायने रखता है। जिस दोनों क्षेत्र में नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो पिछली सरकार की उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था, एजुकेशन को तो गटर तक उन्होंने पहुँचाने का काम किया। आज आप देख रहे होंगे उनके नेता जेल में अपराधी होने के कारण कोर्ट द्वारा उनको सजा दी गई है, जो कि कोई भी युवा वैसे नेता के अंदर में काम करना नहीं चाहेगा। और सभी कोई, हर युवा जिसके पास भी मैं जाता हूँ, खुशी खुशी पार्टी की सदस्यता ले रहा है और नीतीश कुमार में आस्था व्यक्त कर रहा है। ये अब साफ सुन सकते हैं कि राहुल खंडेलवाल जो हैं युवाओं को जोड़ने की जो उन्होंने जिम्मेदारी ली थी पार्टी की तरफ से, तो वो पूरी तरीके से निभा रहे। और साफ उनका कहना है कि आने वाले समय में साफ हो जाएगा कि कितने आंकड़ों में जनता दल यूनाइटेड की तरफ युवा सक्रिय दिख रहा है। तस्वीरें देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और नेतागण की बात करें तो तमाम नेता भी जो है वो समीक्षा ले रहे हैं यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के। और ये युवा की बैठक की गई है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, तो ये साफ है कि 2020 की जो राजनीति है, 2020 में जो चुनाव होगा उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी से तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है और जनता दल यूनाइटेड भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। अब बने रहे लाइव सिटीज के साथ ताकि बिहार की तमाम बड़ी छोटी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुंच सकें।